और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सावधान, साइबर ठगों की पहली पसंद बना टेलीग्राम, जानिए कैसे लगा रहे लोगों को चुना। जानकीपुरम विस्तार निवासी राजीव कुमार के मोबाइल पर कॉल कर जालसाजों ने टेलीग्राम से प्रोडक्ट को रेटिंग देने का टास्क देकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। शुरुआत में करीब 7,000 का मुनाफा भी हुआ, उसके बाद 45 लाख रुपए जमा करवा कर फुर हो गए। उधर तेलीबाग के सैनिक नगर निवासी वैभव शुक्ला को वर्क फ्रॉम होम की बात करके जाल में फंसाया और गूगल रिव्यू करवाने का टास्क देकर टेलीग्राम पर ले आए और 10.47 लाख रुपए जमा करवा लिए। इसके अलावा कुर्सी रोड के पास स्थित एक इनक्लेव में रहने वाली ऐश्वर्या से जालसाजों ने टेलीग्राम ऐप से टास्क पूरा कर धन कमाने के ऑफर का मैसेज भेजकर 19,12,800 रुपए जमा करवाने के बाद फोन बंद कर लिया। ठगे जाने का एहसास होने पर तीनों पीड़ितों ने साइबर थाने व संबंधित थानों में केस दर्ज करवाया है। तीनों पीड़ितों ने ट्रेंडिंग के नाम पर अनजान शख्स पर भरोसा किया, बिना जान पहचान के रुपए उसके खाते में भेज दिए। शुरुआती रकम वापस न मिलने पर भी नहीं रुके और लालच में फंसकर रुपए भेजते रहे। ट्रेंडिंग करवाने वाले के बारे में कुछ पता भी नहीं लगाया। साइबर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद मुस्लिम खान का कहना है कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग की बात कर टेलीग्राम ऐप से रुपए कमवाने की कोई स्कीम किसी के पास नहीं है। इस बारे में अगर कोई लेन देन की बात करता है तो समझ लीजिए वह फ्रॉड है। शुरुआती लाभ लेकर भरोसा कतई न करें, वह जालसाजों का इन्वेस्टमेंट होता है लोगों को फंसाने के लिए। कस्टमर केयर के जाल में फंसकर गवाए 22,000। राजाजीपुरम निवासी राजेश ने गूगल सर्च इंजन से HDFC डायरेक्टर कस्टमर केयर का नंबर लेकर कॉल किया और अपने क्रेडिट कार्ड की समस्या बताई। कॉल रिसीव करने वाले ने माई कार्ड ऐप डाउनलोड करवा कर उनके क्रेडिट कार्ड व अकाउंट की डिटेल हासिल कर ली और उनके खाते से 22,499 रुपए निकाल लिए। उन्होंने तालकटोरा थाने में FIR दर्ज करवाई है। उधर चिन्हट इलाके में रहने वाली मीना देवी के अकाउंट की UPI डिटेल हासिल कर जालसाजों ने उनके खाते से 35,999 रुपए निकाल लिए। उन्होंने चिन्हट कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। ऐप डाउनलोड करवा कर रहे थे 1.16 लाख रुपए। इंदिरा नगर निवासी वंदना के बेटे की फीस बैंक से उसके स्कूल के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई तो उन्होंने गूगल से बैंक के कस्टमर केयर का नंबर लेकर कॉल किया। समस्या का समाधान करवाने के लिए कॉल रिसीव करने वाले ने उनसे रस्ट डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर खाते की डिटेल भरवा ली, उसके बाद उनके खाते से 1.16 लाख रुपए निकाल लिए। दरअसल पीड़िता ने जिस वेबसाइट से कस्टमर केयर का नंबर लिया था वह फेक वेबसाइट थी। जालसाजों ने उसे तैयार कर पेड वेबसाइट के रूप में गूगल पर डलवाया था। साइबर सेल ने वापस करवाए 7.37 लाख रुपए। साइबर जालसाजों ने बैंक कर्मी बनकर पीड़ित सुधीर सिंह के क्रेडिट कार्ड की KYC अपडेट करने के लिए उन्हें एक ऐप डाउनलोड करवाया। उस ऐप के जरिए उनके खाते की UPI नंबर व अन्य डिटेल हासिल कर ली, उसके बाद उनके खाते से 7.37 लाख रुपए निकाल लिए थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज करवाई तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश साहू की टीम ने जालसाजों के खातों में बैंक की मदद से ब्रेक लगाकर उनसे 7,37,240 रुपए वापस करवा लिए। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।